وبالله التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अहदीस की किताब उंदतुल अहकाम, बेहतरीन अहकाम, इस सिलसिले को जो हमने शुरू किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके 26वें सेशन में यहाँ पर हम जमा हैं। किताबुल बुयू हमारी चल रही है और उसके अंदर हमारा चैप्टर है बाबुर रहनी वगैरही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबुल बुयू मुकम्मल होने जा रही है। इसके बाद एक चैप्टर आएगा बाबुल वसाया, वसीयतों का बाब। इंशाल्लाह आज के दिन हम ये जो चैप्टर है ना, अर्रहन वगैरही, इसको पूरा पढ़ेंगे। फिर आगे चलकर वसाया, और वसाया के साथ ही अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह किताबुल लुक्ता, कोई चीज गिरी हुई किसी को मिल जाए उसका क्या हुक्म है, लुक्ता वसाया, और फिर उसके फौरन बाद आ जाएगा किताबुल निकाह, निकाह और तलाक के अहकाम मसाइल। तो इंशाअल्लाह अजीज हम देखते हैं कि रमजान से पहले हमें वक्त कितना इजाजत देता है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि रमजान में आप सब लोग दोहराए कुरान में हमारा साथ दें, कि इंशाअल्लाह रमजान में इस कोर्स की बजाय हम दोहराए कुरान इंशाअल्लाह शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। तो आगाज करते हैं जी किताबुल बुयू बाबुर रहन वगैरही। हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत। انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل معاملہ کیا اہل خیبر خیبر والوں سے، کیا معاملہ کیا خیبر والوں سے، بشطر، شطر کس کو کہتے ہیں، نصف، उस हदीस में लफ्ज आए ना तुहूर शतरुल ईमान, तहारत निस्व ईमान है, तो शतर का मतलब निस्व। अहले खैबर से मामला किया, क्या निस्व मा यखरुजु मिन्हा, जो जमीन से निकलेगा, मिन समरिन, चाहे वो फल है, औ ज़रईन, या वो खेती है, गंदुम अनाज वगैरह, जो गंदुम अनाज वगैरह या जो फल वगैरह जमीन से निकलेगा उसके निस्फ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वालों के साथ मुआमला किया, खैबर वालों के साथ मुआमला किया। अच्छा, अब यहां पर देखिए अहले खैबर से यह मामला क्यों किया गया। यहां पर याद रखिएगा, अहले खैबर से मुराद वो खैबर के यहूद हैं। हुआ इस तरह था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में 1400 सहाबा सुलह हुदैबिया के लिए तशरीफ ले जाते हैं। वो जो सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा करना था, और फिर असल में जो इम्तिहान था ना वहां पर, वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की अफवाह थी। और फिर 1400 सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर बैत की, ये बैत की कि वो हजरत उस्मान के खून का बदला लेकर वापिस जाएंगे। अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई, वो कुरान मजीद की कैसे है आयत, رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره, जब ये दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे ना, तो अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया। ये 1400 सहाबा किराम थे, जिनमें हजरत अबूबकर भी थे, हजरत उमर भी थे, अल्लाह अकबर। तो अब हुआ इस तरह, ये समझ लीजिए सुलह हुदैबिया में शरीक 1400 सहाबा का अल्लाह की तरफ से एक इनाम था कि अहले खैबर जो बड़े अरसे से शरारते कर रहे थे, गजवाए खंदक के मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ ग्रोहों को तैयार किया मक्का पर हमला करने की, सॉरी मदीना मुनवरा पर चढ़ाई करने की, हमला करने की दावत दी, बड़े अरसे से ये शरारते कर रहे थे।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अब वो वक्त आ चुका है कि हम जाएं और अहले खैबर वालों से उनकी शरारतों का बदला चुकाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खैबर की तरफ कूच किया तो मदीना के अंदर बहुत से लोग थे जिनकी ये ख्वाहिश थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि खैबर वाले तादाद में भी कम है, कोई ज्यादा मुजाहमत भी नहीं करेंगे और मालो दौलत बड़ा है क्योंकि उनके बड़े बड़े बागात हैं, तो यकीनन वो माल गनीमत की सूरत में हाथ आएगा, फायदा होगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये गजवाए खैबर उन लोगों के लिए है जो बैते रिजवान में, जो सुलह हुदैबिया के मौके पर शरीक थे, गोया कि ये अल्लाह की तरफ से उनका इनाम है। अब ये 1400 लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए गए और जाकर आपके इल्म में है खैबर फतह हुआ। अब जब खैबर फतह हुआ तो वहां के यहूद को दर बदर नहीं किया गया, वहीं उनको रहने की इजाजत दी गई और ये जमीनें ये सारी चीजें मुसलमानों के कब्जे में आई। यहूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि आप इन जमीनों की देखभाल हमारे पास ही रहने दीजिए, तो हम जो कुछ खेती बाड़ी होगी, फल वगैरह, खजूरें या दीगर फल या जमीन की खेतियां, हम निसफ आपको दे दिया करेंगे, जिस सहाबी का जो हिस्सा होगा हम उसको दे दिया करेंगे, क्योंकि वो खैबर की जमीन तो सहाबाई किराम के दरमियान तकसीम हो चुकी थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त अगर सहाबाई किराम को वो जमीनें दे दी जाती, जाहिर बात है फिर उनकी देखभाल करनी पड़ती, सहाबाई किराम कोई बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर महारत रखने वाले नहीं थे और फिर वो उस तरह मसरूफ हो जाते, और आपके इल्म में है कि वो इस्लाम की एक अजीम दौर था, जंगों का दौर था, इस्लाम के फैलने का दौर था, उसके कुछ अरसे के बाद फतह मक्का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बारे में भी सोचना है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर कर लिया कि ठीक है, तो ये है वो आमला अहला खैबरा, अहले खैबर से क्या मामला किया कि जो कुछ जमीन से निकलेगा आधा तुम्हारा आधा हमारा, मलकियत हमारी है, देखभाल तुम्हारी है, समझ आ गई ना, जिसे आप मुजारात कहते हैं, मुजारबत वगैरह कहते हैं, मुजारात भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, और अक्सर आपको पता है ना, अब आकर ये बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ अरसा पहले हमारे बरेसगीर पाकोहिन के अंदर ये आम तौर पर ये चीजें पाई जाती थी, पंजाब वगैरह के इलाकों में जो बड़े रकबे होते थे वो रकबे लोगों को दे दिए करते थे और जो उन रकबों के मालिक होते थे वो उनसे तय कर लिया करते थे, समझ आ गई ना, तो ये बिल्कुल जायज है। हाँ, इसकी जो नाजायज सूरतें हैं वो आगे चलकर आ रही हैं, ये बिल्कुल जायज है। अब इसको हम जदीद दौर पर कैसे कयास कर सकते हैं, इससे मसाइल को निकाल सकते हैं, वो ये है कि अगर कोई ये आपसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट आप करें और देखभाल मेरी होगी और प्रॉफिट मेरा और आपका आधा आधा होगा, और अगर नुकसान हुआ तो उसमें भी हम शरीक होंगे, शरीक का मतलब है जाहिर बात है कि वो मालिक ही है, या फिर ये जिसने ये जो उसकी देखभाल कर रहा है ये मालिक से आकर ये नहीं कह सकता कि मेरी मेहनत के पैसे दें चूंकि नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये उसके साथ पार्टनर था, तो ये बिल्कुल जायज है, बोले ये बिल्कुल जायज है। अक्सर औकात ये होता है कि एक इंसान ही कहते हैं मैं आपको दुकान खोल देता हूं, एक मार्केट बना देता हूं, देखभाल आपने करनी है, चलानी आपने है, सामान सारा मेरा होगा और निसफ निसफ प्रॉफिट, ठीक है, तो ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हाँ, जहां पर हर्ज है वो आगे आ रहा है, जिन सूरतों के अंदर हर्ज है या जो शरीयत ने जिनको ममनू करार दिया वो सूरतें आगे आ रही हैं। ये हदीस आपको समझ आ गई ना, और इस हदीस का बैकग्राउंड भी समझ आ गया कि अहले खैबर के यहूद से क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला किया था कि देखभाल वो करें और निस्फ निस्फ हो जाए। अच्छा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे जमाने में ऐसे ही रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी ऐसे ही रहा था, हजरत उमरे फारूक के जमाने में जब यहूद को अरब की जमीन से निकाल दिया गया था उनकी शरारतों की वजह से और उनकी शरअंगेजी की वजह से, तो फिर जाकर ये जमीनें यहूद से ले ली गई थी, वरना उससे पहले ये बिल्कुल ऐसे ही रहा था, समझ आ गई ना आपको। जमीन मुस्ताजिरी पर देना कैसे, उसका हुक्म आगे आ रहा है,
ठीक है जी, उसका हुक्म आगे आ रहा है। बारकल्लाहु फीकुम। ये हदीस बड़ी अहम तरीन हदीस है। عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال حضرت رافع بن خديج की रिवायत है, कहते हैं कुन्ना अक्सर الانصار حقلا, हम अंसार में सबसे ज्यादा थे खेती बाड़ी के एतबार से। हकल और इसकी जमा हुकूल, असल में ये खेतों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, मतलब जमीनों में, खेतों बाड़ों में, खेती बाड़ी के अंदर हम अंसार में सबसे ज्यादा थे, मतलब हमारे पास जमीनें वगैरह सबसे ज्यादा थी। फकुन्ना नुकरिल अर्द, तो हम जमीन को इकरा पर दिया करते थे। क्या मतलब इकरा पर दिया करते थे? इसका मतलब वही आ गया है कि जमीन को हम उजरत पर दिया करते थे। अकरा युकरी, असल में ये फेल है अकरा युकरी से, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जमीन किसी को देते हैं कि आप इस पर काश्त वगैरह करें और जो जमीन उगाएगी वो मेरे और आपके दरमियान तकसीम होगा, जिसे आप उर्दू के अंदर कहते हैं जमीन को बटाई पर देना। हमारी फुसा उर्दू में इसको क्या कहा जाता है? जमीन को बटाई पर देना, बटाई पर जमीन को दिया करते थे। ये मालिक है, वो लोग इसके ऊपर फसल उगाएंगे और जो जमीन की खेती होगी, जो कुछ उससे निकलेगा, जितने दाने होंगे या अगर कोई बाग है, फल वगैरह है, तो जो फल वगैरह होगा वो मालिक में और देखभाल करने वालों में तकसीम हो जाएगा। ये मतलब है नुकरिल अर्द। अच्छा, किस शर्त पर? अला अन्न लना हादिही वलहुम हादिही। जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया करते, कहते वो वाला जो किनारा है या वो वाली तरफ है, लना हादिही, वो हमारी है, वलहुम हादिही, और ये आपकी है, ये आपकी और ये हमारी। समझे? जमीन को तकसीम कर लिया, मैं 100 कनाल है तो ये वाली जो 50 कनाल है ये हमारी, ये वाली 50 कनाल आपकी। अब इस ये जायज नहीं है। इसमें खराबी क्या है? खराबी ये है कि फरुबमा अखरजत हादिही वलम तुखरिज हादिही, कभी ऐसा होता कि इस जमीन का फल निकलता और इस जमीन का फल ना निकलता। ये जमीन अपनी खेती उगाती, बाहर निकालती, और ये जमीन कुछ ना निकालती। फनहाना अन ज़ालिका, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना कर दिया। हदीस के अंदर जब भी आता है ना नहाना, सहाबी ये कहते हैं कि मना कर दिया या नुहीना, हमें मना कर दिया गया, पैसी वाइज मतलब फेल मजहूल बोला जाता है या मालूम बोला जाता है, तो उससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या फिर सहाबी कहते हैं अमरना, हमें हुक्म दिया, या फिर उमिरना, हमें हुक्म दिया गया, तो इसे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। समझाइए, कह रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसे मना कर दिया, बोले हमें इसे मना कर दिया। वह अम्मल वरी को वलम यनहना, जो चांदी थी ना उससे मना नहीं किया, चांदी से मना। क्या मतलब? मतलब ये कि दिरहम के बदले में जमीन को, मतलब ये है कि आप किसी को कोई उजरत देते हैं और उससे कहते हैं आप जमीन की देखभाल करें, तो ये बिल्कुल जायज है, ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना कर दिया कि जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, लेकिन सोने चांदी के बदले में जमीन को बटाई पर या ठेके पर देने से मना नहीं किया। अब मजीद वजाहत है अगली हदीस में। वाली मुस्लिम, सही मुस्लिम के अल्फाज क्या है? हम गलत अबन कैस, हंजला बिन कैस की रवायत है, काला कहते हैं सअल तो राफ़ अबन खदीज, मैंने राफ़े बिन खदीज से पूछा रदी अल्लाह अन्हु अन किरा इल अर्द, जमीन को ठेके पर देने, जमीन को बटाई पर देने के बारे में, बिल ज़हबी वल वरिक, सोने और चांदी के साथ। फकाला, तो उन्होंने कहा ला बस बिही, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इन नमा कान नासु युआजिरूना अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या होता था।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसे होगा होता था कि लोग उजरत पर देते थे बिमा अलल मादियानात, मादियानात, मादियानात की नीचे तशरी लिखी हुई है, अल अनहार उल किबार, जो बड़ी नहरें हैं, और जदाविल कहते हैं छोटी नहरों को, जदवल की जमा जदाविल, छोटी नहरें, अकबाल जदाविल, जो छोटी नहरों के किनारे जगह होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम बड़ी नहरों के किनारे जो जगह थी या छोटी नहरों के किनारे की जो जगह थी ना, वो उजरत पर देते थे लोगों को। वह अशिया मिन अज़रअ, और खेती की कुछ चीजें, तो अब क्या होता, फयहलिकु हाज़ा व यस्लमु हाज़ा, कभी कभार ये जमीन बर्बाद हो जाती और ये जमीन बच जाती। मतलब वो नहर के किनारे पर है, कभी पानी ज्यादा आ गया, कोई मसला बन गया, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि ये जमीन बच गई और ये जमीन जाया हो गई। वह यस्लमु हादा व यहलिकु हादा, कभी ये बच गई और वो जाया हो गई। वलम यकुन लिन्नासि किराउन इल्ला हादा, लोगों के लिए बस यही कुछ बिटाई थी। फलिदालिका जजर आनहु, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमा दिया, इससे मना फरमा दिया कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये जो जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है ना, ये जमीन इसके पैदावार आपकी और इसके पैदावार आपकी, तो जब पैदावार हुई तो पता चला इसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये तो जमीन ही जाया होगी, और इसके हिस्से में सब कुछ आ गया। तो ये इसमें मतलब एक का फायदा है दूसरे का नुकसान है, इससे मना कर दिया। जजर आनहू फम शई मालूम, जो शई मालूम है, मालूम चीज, मदमून, जिसकी जमानत दी जा सकती है, फला बासा भी, तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। मतलब ये कि ये सारी जमीन है, इस जमीन से जितनी गंदम निकलेगी इसमें से मेरी इतनी आपकी इतनी, ये बिल्कुल जायज है। आप देखिए, अगर एक जमीन के हिस्से को नुकसान पहुंचा भी तो वो दोनों उसमें शरीक होंगे। अगर एक तरफ की फसल अच्छी हुई है तो वो दोनों उसमें शरीक होंगे। तो समझ आ गई ना आपको। अब देखिए कितना, यानी मैं शरीयत इस्लामिया के अंदर एहतियात किया गया। आपको पता है किताबुल बुयू का जो असल मकसद है ना, वो हकूकुल इबाद की हिफाजत है, बंदों में, बंदों की जो आपस में एक दूसरे के हक हैं उनकी हिफाजत है। ये बेसिकली मकसद है किताबुल बुयू का। हमने बुयू की कितनी किस्में पढ़ी जो जायज है, कितनी किस्में पढ़ी जो जायज नहीं है। वजह क्या थी, ताकि मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात ठीक रहे। कोई भी ऐसे धोखे का सामान या जिसके अंदर हत्ता के शको शुबा भी हो, उस चीज से मना कर दिया गया। बाज औकात वो चीज बिल्कुल जायज दिखाई दे रही होती है, लेकिन मतलब देखिए इसमें कोई हर्ज वाली ऐसी बात मालूम नहीं होती कि किसी की, अगर मिसाल के तौर पर अगर उसकी 10 कनाल जगह है, तो वो ये कहते हैं ठेकेदार को कि आप यहां पर फसल काश्त करें, ये वाले जो 5 कनाल है ये मेरे हो जाएंगे और ये वाले 5 कनाल आपके हो जाएंगे। हमें इसमें कोई हर्ज दिखाई नहीं देता। शरीयत ये कहती है नहीं, शायद कि ये वाले 5 कनाल की फसल बहुत अच्छी हो और इसकी अच्छी ना हो। आपने देखा बाज़ औक़ात ऐसे होता है या नहीं कि दो खेत एक साथ होते हैं, एक की फसल बहुत अच्छी होती है, दूसरे की नहीं होती। तो ये चीज मुसलमानों के आपस में इख्तलाफ का बाइस बन सकती थी, शरीयत ने मना कर दिया, ऐसे मत कीजिए, करना ही है तो फिर ऐसे करें कि ये 5 कनाल, 5 कनाल तकसीम ना करें, 10 कनाल से जो कुछ आएगा वो इन दोनों में तकसीम हो जाएगा। समझ आ गई। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक और इसके अंदर हरज वाली बात भी है, और वो बात ये है जो हमने पढ़ाई के दौरान अपने उस्ताद में से किसी से सुनी थी। आज जब मैं इस किताब का मुताला कर रहा था, शरह के अंदर मुझे ये चीज नजर नहीं आई, वल्लाहु आलम, शायद किसी और शरह में हो। मैं 3 शुरुहात को पढ़ता हूँ इन अहदीस को समझने के लिए, लेकिन शायद मतलब किसी और शरह में ये बात हो, या हमने अपने उस्तादजा ये चीज अच्छी तरह से सुनी थी। और वो ये है कि इसके अंदर एक और शक भी है, वो ये कि अगर मालिक ये कह दे ठेकेदार से कि देखें ये 5 कनाल आपकी है, ये 5 कनाल मेरी है, तो वो जो ठेकेदार होगा ना, जो उसके 5 कनाल है, वो उसका खूब ख्याल रखेगा,
और जो मालिक के पांच किनारे है वो उसका ख्याल नहीं रखेगा जैसे वो अपनी जमीन का या अपनी खेती का ख्याल रखेगा। बताइए ऐसा है या नहीं? शरीयत ने मना कर दिया, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मालिक को भी नुकसान हो सकता है, ठेकेदार को भी नुकसान हो सकता है, धोखे का समा है, आपस में इख्तलाफ का बाइस बन सकता है। तो मना कर दिया कि ऐसा मत कीजिए। अल्लाह अकबर। अब आ जाइए जरा जदीद दौर की तरफ। दो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप करते हैं 50-50%, मुनाफा भी बराबर हो जाएगा, लेकिन एक ये कहता है खास तौर पर ये सेल वगैरह के काम में, और ऐसे मसाइल पूछे जाते हैं सेल वगैरह के काम में, वो ये कहते हैं कि देखिए इस तरह कर लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये आपका हो जाएगा, इससे जो कुछ आ रहा है, और ये वाला एरिया मेरा हो जाएगा। बताइए ऐसा होता है या नहीं सेल परचेज के काम में? अब बाज औकात ये होता है कि एक एरिया के अंदर सेल बहुत अच्छी होती है, दूसरे में नहीं होती, एक पार्टनर को बहुत प्रॉफिट मिल जाता है, दूसरे को नुकसान हो जाता है। हाँ, तो ये भी जायज नहीं है। करना है तो फिर दोनों को मिलाइए और बाद में प्रॉफिट डिवाइड कीजिए, ताकि फायदा भी एक जैसा नुकसान भी एक जैसा। एरिया डिवाइड कर लेने से क्या होगा कि उनका आपस में इख्तलाफ हो सकता है आगे चलकर, ऐसे ही है जी। तो शरीयत ने मतलब इस हदीस की बेस पर हम, और देख लीजिए जो जदीद कारोबार की कई एक सूरतें हैं, बोले जदीद कारोबार की कई एक सूरतें हैं। एक तो होती है ना खास इन्वेस्टमेंट, खास इन्वेस्टमेंट, खासकर आजकल जो रियल एस्टेट के कारोबार चल रहे हैं, तो उसमें अक्सर तौर पर यह होता है कि एक शख्स है जो किसी से ये कहता है, जो जो जो, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसे ये कहते हैं कि आप कुछ इन्वेस्ट कीजिए इस जगह के ऊपर, बस इस जगह में मैं, या इस खास किस्म की डील में मैं आपका पार्टनर हूं, ऐसे ही है जी। तो ठीक है, वो उतनी ही डील में एक दूसरे के पार्टनर होंगे। मतलब ये कि मसला ये नहीं है कि आप वो ये कहे ठेकेदार से कि आप अपने पूरे कारोबार में मुझे शरीक कर लीजिए, और उस ठेकेदार का कारोबार इससे पहले भी 10 बंदों के साथ चल रहा है, नहीं, वो भी सिर्फ उस डील की हद तक उसके साथ पार्टनर होगा, उसमें नफा हो या नुकसान हो उसमें बराबरी होनी चाहिए। समझ आ गई जी आपको? तो ये बड़ी प्यारी ही हदीस जिसके अंदर हमें जो जमीन को ठेके पर बटाई पर दिया जाता है, शायद कि आप में से कोई हो जो पहली मरतबा इन मसाइल को सुन रहे हो, और शायद वो हो जिन्होंने ऐसी चीजें, खासकर जो मैंने कहा हमारे पंजाब वगैरह के इलाकों में जो देहाती इलाके हैं, जमींदार लोग हैं, उनके लिए ये मसाइल बड़े ही मतलब ऐसे हैं जो हर साल गंदम की बिजाई के मौके पर हर साल वो इन मसाइल को देखते हैं। तो शरीयत इस्लामिया में इनकी पूरी रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। चलिए जी, एक नया मसला आ गया, बिल्कुल वहां पर वो चैप्टर क्लोज हुआ, अब एक नया मसला पैदा हुआ, बड़ा प्यारा मसला, और ये हमारे दौर में बहुत कम हो गया है, हत्ता कि इस किताब की शरह करने वाले सऊदी अरब के एक मुमताज आलम दीन अल्लामा अब्दुर्रहमान असादी, जिन्हें आप अरबी में शेख सादी, अच्छा ये शेख सादी दो हैं, एक आपके जो फारसी वाले शेख सादी हैं जिनकी अक्सर फारसी की कहावतें हैं, हिकमत वाली बातें हैं, एक शेख अब्दुर्रहमान असादी हैं जिनकी तफसीर भी है, तफसीर असादी, वो अरब हैं, उन्होंने इस किताब की शरह की है, बड़ी प्यारी। उनका जमाना आज से कोई 70-80 साल पहले का जमाना है, उस जमाने के बारे में वो कह रहे हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये मसला काफी पाया जाता था, हमारे ही जमाने में काफी कम हो गया है। ठीक है जी, अब ये क्या मसला है? पहले मैं मसला आपसे बयान कर देता हूं, फिर आपको हदीस, या ये अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर चार अहदीस लिखी हुई है, 284 के जिम्मन में चार अहदीस है, मुख्तलिफ अल्फाज है हदीस के, चारों को हम पढ़ते हैं। मसला ये है जी कि एक शख्स दूसरे को ये कहता है कि ये जो मैं आपको हदीया दे रहा हूं, ये जो चीज मैं आपको दे रहा हूं उदार या आपके फायदा उठाने के लिए, ये आपकी है आपकी जिंदगी में, या फिर ये गिफ्ट आपका है, मलकियत मेरे पास रहेगी लेकिन इसका इस्तेमाल आपका है।
समझ आ गई ना। इसको अरबी जुबान में कहते हैं उमरा, अरबी में इसे क्या कहते हैं उमरा, गोल ता के साथ नहीं, गोल ता के साथ करेंगे उमरा तो वो तो सफर हो जाएगा ना, सफरे उमरा, ये खड़ी जबर के साथ है उमरा। इसका क्या हुक्म है? और फिर एक अगला अहम तरीन मसला कि अगर एक शख्स ने एक शख्स को कहा कि मालिक मैं हूं लेकिन ये चीज मैं आपको दे रहा हूं, तो क्या इसके मरने के बाद उसकी औलाद को भी वो चीज मिलेगी या फिर असल मालिक के पास वापस लौट आएगी? मसला समझ आ गया ना आपको? तो मैंने बताया ना, हमारे मतलब इस दौर के अंदर ये बहुत कम है, और हमारे मुआशरों में तो ये बहुत कम है, अरब के अंदर अभी भी ये मौजूद है लेकिन बहुत कम है। عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سے روایت کہتے ہیں قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا عمرہ کا, کیا فیصلہ کیا, لمن وہبت له, کہ یہ اس کے لیے ہے جس کو یہ ہبہ کیا جائے, ہبہ کیا جائے مطلب تحفتاً جس کو دیا جائے, ये उम्रा उसके लिए है। वफी लफ्ज़ और एक हदीस के लफ्ज ये है मन उमिरा उम्रा लहू, मन उमिरा उम्रा, जिसको कोई उम्रा दिया जाए मतलब कोई घर कोई चीज उसको उसकी जिंदगी में फायदा उठाने के लिए दी जाए, लहू वो उसके लिए है, वाली आकिबी ही और उसकी औलाद के लिए है। फइन्नहा तो बेशक वो लिल्लज़ी उस शख्स के लिए है जिसके लिए उतिया वो दी गई है, ला तरजीऊ वो चीज नहीं लौटेगी, इलल्लज़ी अताहा उसकी तरफ जिसने उसको दी है, जिसने उसको दी है वो चीज उसकी तरफ नहीं लौटेगी। वजह लियनहु अता अतान, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज दी है अता दी है, वकअत फीही मवारीस, जिसके अंदर विरासत वाकई होती है, क्योंकि उसने ऐसी चीज दी है जिसमें विरासत वाकई होती है, तो मतलब ये कि जो शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा है अब उसकी विरासत इसमें वाकई हो जाएगी, इसलिए मालिक की तरफ ये वापस नहीं लौटेगी बल्कि ये आगे उसकी औलाद में विरासत में तकसीम हो जाएगी। ठीक है, आगे पहले हदीस पढ़ लेते हैं फिर इसके मसाइल की तरफ आते हैं। وقال جابر, हजरत जाबिर कहते हैं رضي الله عنه انما العمر التي, उमरा जो है ना ये बस उसका है, التي उमरा जो है ये तो बस, التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم, जिसमें अल्लाह के रसूल صلى الله عليه وسلم ने इजाजत दी थी, ان يقول, ये कि वो कहे, هي لك ولعاقبك, ये आपके लिए है और आपकी औलाद के लिए है। ये जो उमरा है जिसकी इजाजत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, ये है कि ये आपके लिए है और आपकी औलाद के लिए है। फम्मा इज़ा काला, हाँ बंदा जब ये कह देना ही अल्लाह का माईश्ता, जब तक आप जिंदा हैं ये आपकी है, अगर वो बंदा जो दे रहा है मालिक वो ये शर्त लगा देता है कि ये आपकी जिंदगी तक आपके लिए है, माईश्ता فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا, तो फिर ये अपने साहिब की तरफ अपने मालिक की तरफ ये जगह लौट जाएगी। मसला समझ आ गया ना कि अगर उसने शर्त लगा दी कि ये आपके लिए है जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप जिंदा हैं तो ये आपके लिए है, तो फिर ये उसके मालिक तक लौट जाएगी। समझा कि आपको? वफी लफ्ज लिमुस्लिम, और सही मुस्लिम के लफ्ज क्या है, अमसिकु अलैकुम अम्वालकुम, अपने माल अपने पास रोक कर रखो, वला तुफसिदूहा, उन्हें फासिद ना करो, मालों को खराब ना करो, अपने पास रोक कर रखो। फइन्नहु मन अमरा उमरा, जिसने कोई उमरा दिया, फहिया लिल्लज़ी उमिरहा हय्यन व मय्यतन वली आकिबिही, तो ये उसके लिए है जब तक वो जिंदा है या और वो फौत हो चुका है और उसकी औलाद के लिए, वो जिंदा है तो तब भी उसका है, वो फौत हो चुका है तो तब भी उसका है,
और फिर आगे उसकी औलाद के लिए, मतलब विरासत में तकसीम हो जाएगा। अब आपने चार तरह के अल्फाज पढ़े अहदीस में, मसला कुछ आपको समझ आ गया होगा। मसले की मैं मजीद वजाहत इसलिए कर दूं कि अब मसले की दो सूरतें बन चुकी हैं। एक सूरत यह है कि एक शख्स दूसरे को यह कहता है कि यह घर है, आप इसके अंदर रहें, मैं आपके नाम नहीं लगाऊंगा, नाम मेरे ही रहेगा, बस आप इस घर के अंदर रहें, या ये आपका है आप इसमें रहें, मलकियत मेरी है लेकिन ये आपका है, हिबा कर दिया उसको। ये पहली सूरत। दूसरी सूरत ये है कि वो उसको ये कहता है कि ये घर मलकियत मेरी है लेकिन जब तक आप जिंदा हैं तो ये घर है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपकी जिंदगी में है, ये शर्त लगा दी देने वाले ने। दो सूरतें बन गई ना। अगर तो जिंदगी की शर्त नहीं लगाई तो फिर ये उसका है जिसको दे दिया गया, आगे उसकी औलाद में तकसीम हो जाएगा, विरासत में मलकियत भी उनकी हो जाएगी। और अगर ये जो देने वाला है इसने ये शर्त लगा दी थी कि ये आपका है जब तक आप जिंदा हैं, तो इस सूरत के अंदर उसके फौत होते साथ ही मालिक की तरफ ये वापस लौट जाएगा, या जो मालिक की औलाद है ये उसकी तरफ वापस लौट जाएगा। समझा कि ना आपको मसले की? तो ये दो सूरतें आ गई हैं, इन सूरतों की रोशनी में इन अहदीस को समझना भी आसान हो जाता है। अगर तो दे दिया तो फिर दे दिया, आगे वो है उसकी औलाद है, और अगर जिंदगी की शर्त लगा दी तो फिर उसकी जिंदगी तक है और उसके बाद उसको वापस हो जाए। बड़ी प्यारी हदीस। और इस हदीस के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा का अमल, और इस हदीस के अंदर हमसाए के हकूक का जिक्र कि शरीयत इस्लामिया के अंदर हमसाए को कितने हकूक दिए। अल्लाह हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील अमीन मुझे हमसाए के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन, हमसाए के बारे में बताते रहे, उसके साथ नेकी करने के बारे में, यहां तक कि मुझे ये लगने लगा कि कहीं हमसाए को वारिस ना बना दिया जाए, विरासत के अंदर उसका कोई हिस्सा ना मुकर्रर कर दिया जाए। इस कदर ताकीद है शरीयत इस्लामिया में। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमनअन्न जारुन जारहु, कोई हमसाया दूसरे हमसाए को ना रोके, अन यगरीज़ा खशबतन फी जिदारिही, कि उसकी दीवार में कोई लकड़ी गाड़े। आजकल के दौर में यह मसला भी तकरीबन नापैद हो चुका है, या बाज देहातों वगैरह में अभी इसका इस्तेमाल है, शहरों में तो ये तसव्वुर ही खत्म हो चुका है। मसला इस तरह है कि देखिए, एक शख्स है, उसका घर बना हुआ है, साथ हमसाया है, उसको अल्लाह ने कोई इतना नवाजा नहीं, वो ये कहते हैं कि देखिए मेरे लिए आप घर की दीवारें बनाना ये बड़ा मुश्किल है, तो मैं आपके घर की दीवार में कोई लकड़ी वगैरह लगाकर एक छोटा सा कमरा बना लेता हूं, कोई छप्पर बना लेता हूं कोई रहने के लिए, या बाज़ औक़ात जानवर रखने के लिए, या देहातों में अक्सर आपको पता है ना ये सूरत पेश आती है कि हमसायों से कहा जाता है आपकी दीवार में एक लकड़ी रखनी है या ऊपर, ताकि वो टेक हो सके उसकी। अब जाहिर बात है वो एक लकड़ी रखने के लिए पूरी वहां पर दीवार तो नहीं बना सकते, ये मसला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हमसाया किसी हमसाए को लकड़ी रखने से ना रोके, मतलब बिल इतना भी छोटे ना करो कि हमसाए की इतनी मदद भी ना कर सको कि उसके उसके उस छप्पर को या उसके कमरे को टेक मिल सके आपकी दीवार से, कोई ना रोके। लेकिन हुआ क्या, देखिए ये आज का जमाना नहीं है, ये जमाना है वो जिसमें हजरत अबू हुरैरा जिंदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जमाना। ثم يقول ابو هريره, फिर इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सहाबी कहते हैं, ما لي اراكم عنها معرضين,
क्या हो गया है मुझे कि मैं देख रहा हूं तुम इसे इराज कर रहे हो, इस हदीस से तुम दूर हटते जा रहे हो। वल्लाही अल्लाह की कसम, ला अरमियन बिहा बैन अख्ताफिकुम, मैं तुम्हारे कंधों के दरमियान इस लकड़ी को गाड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। ये है देखिए सहाबी रसूल का हदीस पर अमल करना कि अगर तुमने मुझे मना किया लकड़ी के गाड़ने से तो मैं तुम्हारे कंधों के दरमियान इस लकड़ी को गाड़ दूंगा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम हदीस पर अमल करना छोड़ गए हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए ये ताकीद के अल्फाज हैं, जो नून आखिर में आ रहा है ना, ला यमना अन्ना, हरगिज ना रोके हमसाया हमसाए को लकड़ी गाड़ने से उसकी दीवार में, हरगिज ना रोके। तो तुम्हें क्या हो गया कि तुम एक दूसरे को रोक रहे हो लकड़ियां गाड़ने से? अगर किसी ने रोका तो मैं उसके कंधों के दरमियान ये लकड़ी गाड़ दूंगा। अल्लाह। तो इससे हमें हमसायों की मतलब उनका ख्याल रखना, और इसी तरह आपको पता है ना कुरान मजीद की जो सूरत अल माउन है, वयमनाउन अल माउन, उसकी तफसीर में भी उलमाए किराम ने कहा कि जो आम जरूरत की छोटी मोटी चीजें हैं, हमसाए ने मांग ली, किसी ने मांग ली, तो वो रोक लेते हैं, मतलब वो दे सकते हैं लेकिन नहीं देते। आम खाने पकाने की या इस्तेमाल की मामूली चीजें कोई मांगता है तो वो रोक लेते हैं, नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसायगी तो मतलब इतनी खूबसूरत चीज है, और यकीन जानिए कि आजकल के मुआशरों में तो इसका तसव्वुर ही खत्म होता जा रहा है। बाज़ औक़ात शहरों के अंदर रहने वालों को ये नहीं पता होता कि उनकी दीवार के साथ वाली दीवार में, साथ वाले घर में को कौन रह रहा है, कितने लोग हैं, उनकी क्या जरूरियात है क्या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीयत इस्लामिया में हमसायों के बड़े हकूक हैं। कभी घर में अच्छा खाना पके, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ दीजिए, कुछ देते रहिए, कुछ लेते रहिए। इससे क्या होगा, इससे मोहब्बत बरकरार रहेगी, क्योंकि बाज़ औकात कभी किसी मजबूरी इमरजेंसी की सूरत में आपके रिश्तेदार बहुत लेट पहुंचते हैं, सबसे पहले आपके घर में आपके हमसाए पहुंचते हैं। अगर ये अच्छी ताल्लुक उनके साथ बरकरार रहेगा तो मजबूरी में आप उनके काम आएंगे, वो आपके काम आएंगे। तो शरीयत में कितनी प्यारी ताकीद आ गई हमसायों के बारे में। चलिए जी, आज की आखिरी हदीस को हम पढ़ते हैं ताकि हम बाबुल रहन को मुकम्मल करें, और फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में हम बाबुल लुक्ता, लुक्ता कहते हैं जो गिरी हुई चीज अगर किसी को मिल जाए तो उसके क्या कौम साइल है, लुक्ता के बारे में, और इसी तरह उससे आगे है किताबुल वसाया, वसाया के बारे में इंशाअल्लाह वो भी हम अल्लाह की तौफीक से अगले हफ्ते पढ़ेंगे। ये रिवायत है हजरत आयशा रदी अल्लाह की कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़लमा क़ीदा शिब्रिम मिनल अर्ध, जिसने जमीन से एक बालिश्त भी जुल्म किया। क़ीद कहते हैं बराबर को, क़ीदा शिब्रिम एक बालिश्त के बराबर। ये देखें जी, ये होती है एक बालिश्त, एक गिट, जिसे आप उर्दू में गिट्स नहीं कहते, ये यहां से लेकर यहां, जिसने इतना भी जुल्म किया ना जमीन में। कैसे जुल्म, मतलब ये कि जमीन की पैमाइश करते हुए एक गिट जमीन ज्यादा डाल ली, जुल्म कर लिया, थोड़ा सा ईंट। अब मुझे बताइए, ये वो जो हमारे यहां अक्सर 9 इंच की दीवार होती है ना, यकीन जानिए वो एक गिट की होती है, ये जो ईंट का साइज होता है ऐसे ही है। अब बाज औकात इस तरह होता है कि अपनी जमीन में ईंट को रखने की बजाय साथ वाली जमीन में ईंट को रख दिया जाता है, वजह ताकि हमारे घर के जो रूम्स हैं या हमारा घर जो है ना वो एक बालिश्त खुला हो जाए। अच्छा क्या होगा खुला होने से, दुनिया तो गुजर ही जाएगी तंग हुआ या खुला हुआ, लेकिन ये कब्र की तंगी का बाइस होगा, कयामत के दिन की सख्तियों का बाइस होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बलिश्त भी अगर किसी ने जुल्म किया ना तो विकाहू मिन सबई अरादीन, उसको तोक पहनाया जाएगा 7 जमीनों का, 7 जमीनों का उसे तोक पहनाया जाएगा। अल्लाह हू अकबर। जिस घर से मैं बैठकर आपकी क्लास ले रहा हूं, मुझे मेरे वालिद साहब ने यह बात काफी अरसे पहले सुनाई थी,
भाई साहब ने बताया कि जब मैंने इस घर की जगह को खरीदा, और ये कब की बात है, ये बात है जी 80 की दहाई से भी पहले की बात है। बताते हैं कि जब मैंने इस घर की जगह को खरीदा था, तो जिससे मैंने जगह खरीदी तो उसने मुझे ये कहा था, मतलब वो जमीन का मालिक था, उसने मुझे ये कहा कि ये तो वो जगह है जो मैंने जिसकी मैंने आपसे कीमत वसूल की। अब आगे आपकी मर्जी है, देख लीजिए, अगर आप दो हाथ उस तरफ आगे निकलना चाहते हैं तो देख लीजिए आगे खुली जमीनें पड़ी हुई हैं, ये आपकी वो है। तो वाली साहब कहते हैं अच्छा, बाज लोगों ने ये मशवरा भी दिया कि चलें बढ़ा ले थोड़ा सा, आपका घर और बड़ा हो जाएगा। तो वाली साहब ने ये हदीसे मुबारका सुन रखी थी अपनी जवानी में, अल्लाह उनको अजर अता करे कि उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, घर तंग ही ठीक है, मुझे मतलब जिंदगी तो गुजर ही जाएगी लेकिन आखिरत में मैं कैसे जवाब दूंगा। तो वकहू मिन सबई अर्दीन, सात जमीनों की तोक उसके गले में फंदा पहना दिया जाएगा। कितनी सख्त ये वईद है, कितनी सख्त वईद है जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसे महफूज रखे। अक्सर देखिए खासकर ना, मतलब ये जो मैंने ईंट वाली मिसाल दी ना, अक्सर ये होता है, अक्सर ये होता है। आपके इल्म में है के इलाकों के अंदर, खासकर मतलब देहातों के अंदर, जब वो जमीन की हदूद लगाई जाती है तो हदबंदी लगाते लगाते 1 फुट, 1 फुट यही है, 1 फुट में तो 12 इंच होते हैं, बालिश्त में 12 इंच से भी कम जगह होती है, ऐसे ही है जी। तो 1 फुट तो ये बालिश्त से भी ज्यादा का जगह बन जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसे महफूज रखे, ये बड़ी सख्त वईद है, हमें इसे यानी लाजमी तौर पर दीगर लोगों को भी आगाही फराहम करनी चाहिए कि ये नहीं है कि आप मतलब इसको बड़ा छोटा मामला समझें, ये एक जमीन है, एक बालिश्त है, कयामत के दिन ये सात जमीनें बन जाएंगी और इसका तोक आपके गले के अंदर पहनाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हमारा आज का ये यहाँ तक का सेशन मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह जैसे कि मैंने बताया दरमियान में भी कि आने वाले सेशन में इंशाल्लाह किताबुल लुक्ता, गिरी हुई चीज अगर किसी को मिल जाए तो उसके क्या अहकामो मसाइल हैं शरीयत में, वसीयत करना उसके क्या अहकामो मसाइल हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह जो किताबुल फराइज, कोशिश करेंगे अगले हफ्ते में ये तीनों चीजें हम पढ़ लें, अलुक्ता गिरी हुई चीज, वसाया वसीयत करने के अहकामो मसाइल, और नंबर 3 फराइद, जो किसी को मतलब जो इंसान अपने पीछे विरासत छोड़ता है, माल छोड़ता है, उसके वरासा में तकसीम होती है, इन तीनों के अहकामो मसाइल इंशाल्लाह तीनों चैप्टर्स हम अगले हफ्ते में अल्लाह की तौफीक से कवर करेंगे। कुछ सवाल आते हैं जी, एक सवाल ये आया कि अगर डेथ की सूरत में औलाद वापिस ना करे तो क्या होगा, औलाद के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है कि वो उस चीज को अपनी मलकियत समझे जो उनकी मलकियत नहीं है। शरीयत की रोशनी में जाहिर बात है उस औलाद को ये बताया जाएगा कि ये आप मतलब ये कब्जा करने के जुमरे में ही आएगा अगर आप असल मालिकों को वो वापस नहीं करें, और मालिकों ने आपके वालदेन को रहने के लिए दिया था, आपको नहीं दिया था, तो उनको इस चीज की अच्छी तरह से तलकीन की जाएगी, आगे ही की जाएगी, और ये वईदें उन्हें सुनाई जाएंगी कि दुनिया में तो आप रह लेंगे रेंट पर भी या इस घर पर कब्जा करके भी, लेकिन आखिरत के दिन अजर देना ये बड़ी बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक है जी, क्या किराए पर जमीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हदीस में यही तो बताया गया कि सोने चांदी के बदले में जमीन को लिया दिया जा सकता है। मतलब मैं ये कहता हूं कि ये मेरी जमीन है, 1 कनाल 2 कनाल, आप इस पर अपनी फसल बो दीजिए, मुझे आपसे फसल वगैरह नहीं चाहिए, बस मुझे इतने दिनार चाहिए, तो ठीक है, वो तय कर लिया जाए। अल मुस्लिमून आला शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शर्तों पर है, अपनी एग्रीमेंट पर है, जो एग्रीमेंट हो जाए उसके मुताबिक इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है जी, जमीन ली जा सकती है, किराए पर दी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और किसी का कोई सवाल? चलिए जी, बारकल्लाहु फीकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को जो 3 मैंने मौजूदात बताई उसके साथ दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। अकूल कौली हादा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्बिन। माजरत के साथ प्लीज रिपीट दुआ, आप किस दुआ की बात कर रही हैं? अच्छा जी, ये मसला पूछा गया, ठीक है चलिए हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये पिछली क्लास से मुताल्लिक के जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या कोई बिजनेस करते हैं और चीजें किस्तों पर बेचते हैं,
तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो देखिए, चीजें किस्तों पर बेचने के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो उलमाए किराम या हमारे जदीद उम्मत इस्लामिया के मोतबर फुकहाए किराम हैं, जो कुरान और सुन्नत को सामने रखकर रहनुमाई करते हैं, उनके फतावा जात की रोशनी के अंदर इख्तिसार के साथ ये है कि अगर कोई ये कहता है कि ये चीज मैं आपको 50,000 की दूंगा, और अगर आप मुझे, मतलब ये एक डील हो गई कि अगर आप मुझे नकद दें, कैश दें, तो ये 50,000 की ये चीज है, आप कैश दीजिए, चीज ले लीजिए। या एक और डील ये है कि अगर आप मुझे ये चीज, इसकी कैश, इसकी पेमेंट कैश की नकद की बजाय, आप इसकी पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर मुख्तलिफ किस्तों पर करेंगे, तो फिर ये चीज मैं आपको 50,000 की नहीं दूंगा, फिर 60,000 की दूंगा। अगर बात सिर्फ इतनी है, मतलब यहां तक बात खत्म हो गई, तो ये जायज है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक अलग डील है, इसकी टाइमिंग है और इसकी कीमत है, ये एक बिल्कुल अलग डील है और इसकी टाइमिंग है और इसकी कीमत है, ये जायज है। अब नाजायज क्या है? नाजायज ये है कि वो ये कहते हैं कि इस तरह कीजिए कि आप अगर मुझे ये कीमत इस टाइम पर ना दे सके, तो फिर इसकी कीमत 60,000 से 70,000 हो जाएगी। अगर आपने इतना लेट किया, तो फिर 70,000 से 80,000 हो जाएगी, फिर इस मौके पर ये चीज जब्त हो जाएगी, ये जायज नहीं है। समझ आ गई ना? तो जो दो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ये जायज है। जब एक तीसरी बीच में कंडीशन शामिल हो जाती है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। बोले ये बिल्कुल जायज नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या गिरवी पर घर लिया जा सकता है? तो जी बिल्कुल, गिरवी पर घर लिया जा सकता है, घर है या जमीन है या कोई भी ऐसी चीज है, वो गिरवी पर ली जा सकती है, दी जा सकती है, और गिरवी के बाकी जो दीगर अहकाम मसाइल है वो उस पर भी उसी तरह लागू होंगे। ठीक है जी, जिस तरह हमने बाकी उस चीज के बारे में, गिरवी की चीजों के बारे में बताया था, तो गिरवी के सेशन में आप लोग उसके शुरू में सुन भी सकते हैं, जो गिरवी की शुरूआत और सारी चीजें। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।